अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शैम्पू मेकिंग सेशन की दूसरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स के बाद सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स के बाद सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स के मकदार जो है बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और इसकी एक वजह भी बता दूंगा कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और उनकी रेशूज क्या हैं, वो भी आपको बता दूंगा ताकि आप इजीली शैम्पू की कोई फॉर्मूलेशन बना रहे हो तो उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकें या उसको बेहतर कर सकें। प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स के बाद सर्फेक्टेंट्स जो सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स है ना, उनकी मिकदार तकरीबन आधी कर लें प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स से होती है। प्राइमरी सर्फेक्टेंट में आप SLAs इस्तेमाल करते हैं तो SLAs के आधी मकदार यानी कि 6% प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स में आप SLAs इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी मकदार 12% होती है, तो ये सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स हैं जिनमें ABGs भी आते हैं, अल्काइल पॉलीग्लुकोसाइड, कोबिडेन्स भी आते हैं और सल्फोसॉक्सीनेट्स भी आती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स में आते हैं। 6% मैंने बताया इसकी मिकदार होती है, यानी कि निस्फ प्राइमरी सर्फेक्टेंट से निस्फ। तो क्योंकि सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स से होते हैं वो प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, उनकी क्लीनिंग में मदद करते हैं, सफाई में भी, तो इसको माइल्ड सर्फेक्टेंट या सेकेंडरी सर्फेक्टेंट भी आप कह सकते हैं, तो ये भी एक इनका वर्गीकरण है, या आप इनको क्लीनिंग एजेंट भी कह सकते हैं, माइल्ड क्लीनिंग एजेंट। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इनका, क्योंकि लाइट वेट बबल होता है तो ये और बबल बड़ा बन सकता है, तो ये बबल को बढ़ाने में या बड़ा करने में भी मदद कर रहे होते हैं, तो इनको और ये अच्छी झाग भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसको इनको आप फोमिंग एजेंट के तौर पर भी ले सकते हैं या फोमिंग एजेंट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल कोकोबिटेन की बात करते हैं तो कोकोबिटेन जो होता है ना वो कई सर्फेक्टेंट के साथ जाके जब आप उनको थिक करते हैं या विस्कस करते हैं मटेरियल को तो ये विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि थिकनेस बढ़ाता है, गाढ़ापन ज़्यादा करता है, तो ये विस्कोसिटी एजेंट के तौर पर भी आप इनको कह सकते हैं कुछ मटेरियल्स को। फिर उसके बाद दो फंक्शन हैं जो फंक्शन मैं आपको इस वीडियो में आज बताना चाहूँगा, जो दो फंक्शंस मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा वो पहला तो ये है कि ये सर्फेक्टेंट की वजह से प्राइमरी सर्फेक्टेंट या सर्फेक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर लें आप सारी प्रोडक्ट की, तो उसकी वजह से जो खुश्की पैदा हो रही होती है या ड्राइनेस दे रहा होता है वो आपके स्कैल्प को या बालों को या उसको कंट्रोल करते हैं, ये खुश्की नहीं होने देते। सर्फेक्टेंट्स की वजह से, प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स की वजह से जो आपकी ड्राइनेस आ रही होती है बालों में या स्कैल्प में, ये उसको कंट्रोल करने में भी मददगार होते हैं, तो ये वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि ये जो प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स या कह लें आप सर्फेक्टेंट्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो इरिटेशन हो रही होती है बालों को या स्कैल्प में, जो इरिटेशन होती है ये इरिटेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो आप कई दुकानदारों के पास जाते होंगे कि ट्रेडर के पास जाते होंगे, तो उन ट्रेडर से आप जब कहते होंगे कि हमें शैम्पू बनाना है तो SLAs के साथ आपको कंडीशनर कह के कोकोबडे नहीं दे रहे होते, क्योंकि ये इरिटेशन जो है ये कंट्रोल कर रहा था और कम करता है आपकी जो प्राइमरी सर्फेक्टेंट है या बेसिक सर्फेक्टेंट है
उनकी इरिटेशन को कंट्रोल करता है, उनकी इरिटेशन को कम कर रहा होता है। तो वो कुकोबिटेट को भी कंडीशनर के आगे सेल कर देता है, क्योंकि वो कंडीशनिंग में बदल देता है आपकी जो इरिटेशन होती है आपके बालों में या स्कल्प में, जो इरिटेशन हो रही होती है प्राइमरी सर्फेक्टेंट की वजह से, उस इरिटेशन को ये बदल देता है कंडीशनिंग में। तो इसको फिर कई दुकानदार या ट्रेडर कंडीशनर भी कह के सेल कर रहे होते हैं, तो ये आपको कंडीशनर के तौर पे भी मिलते हैं, लेकिन ये होते हैं सर्फेक्टेंट्स ही हैं। फिर अगर इसकी मकदार की या इसकी परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज या मकदार आप कह लें कम से कम इनकी 2% हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपकी 6% हो सकती है। फिलहाल मैं 6% ही कहूँगा, बढ़ा सकते हैं आप वो सर्फेक्टेंट की वजह। आप देख सकते हैं कि सर्फेक्टेंट कौन सा आप इस्तेमाल करें, तो उसके हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसकी कम से कम मकदार जो है 2%, ज्यादा से ज्यादा 6%, यानी कि आपकी प्राइमरी सर्फेक्टेंट का आधा 12% आप प्राइमरी यूज कर रहे हैं, इसलिए तो 6% आप इसका कोकोबिटेन या जो मैंने बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप AOS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं पहले बताना भूल गया हूँ, तो वो भी आप सेकेंडरी सर्फेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।